जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। मित्रों, भगवद गीता के अब तक के जितने अध्यायों का हमने वर्णन किया है, उनमें यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान अपने रूप का मनमोहक वर्णन करते हैं, जिसे आपको बेहद ही ध्यान से मन लगाकर सुनना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय को सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का संचार अवश्य होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वें अध्याय के सार की बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। मित्रों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, वीडियो के अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान की परम महिमा क्या है। जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उसे क्या होता है, क्या एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है, और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप होता है, भगवान कहां कहां और किस किस रूप में रहते हैं, क्या मनुष्य के लिए भगवान को पूरा जान पाना संभव है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। मित्रों, वैसे तो आपने बहुत बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, यहां है, वहां है, हर जगह है। आज इस 10वें अध्याय में हम इसको जरा बारीकी से जानेंगे। इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भूय एव महाबाहो क्षणु मे परम वचः एते अहम् प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्येय। अर्थात, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो और मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें इन्हें प्रकट करूंगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो मेरे परम रहस्य युक्त वचन है उनको दोबारा सुनो। दोबारा इसलिए सुनने के लिए कहते हैं क्योंकि जब तक भक्त उस आखिरी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, परम धाम तक नहीं पहुंचते, तब तक भक्त के गिरने का, लड़खड़ाने का खतरा बना रहता है। और जो बीच बीच में समस्याएं आती हैं, उनसे भगवान अपने भक्त को पूरी तरह सचेत रखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के देवता और ना ही महान ऋषि मुनि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था। यहां इस अध्याय में वे अर्जुन के भीतर श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजन से अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत हैं। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 महान ऋषि और 14 मनुओं का जन्म उनके मन से हुआ और बाद में संसार के सभी मनुष्य इनसे प्रकट हुए। जो यह जानते हैं कि
सबका उद्गम भगवान है। वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तनलीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा की चर्चा कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जागृत करते हैं, क्योंकि उनका मन भगवान में एकीकृत हो जाता है। इसलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वे उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहते हैं कि उसे पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है, और वह यह घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी हैं। फिर वह भगवान से विनम्र अनुरोध करता है कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत के सेवन करने समान है। श्री कृष्ण प्रकट करते हैं, क्योंकि वे ही सभी का आदि, मध्य और अंत है, इसलिए सभी अस्तित्व उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर है। जब हम कहीं किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं, जो हमारी कल्पना को हर्षोन्माद कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे ऐसे विद्युत ग्रह के समान हैं, जहां से मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड में सभी पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात शेष अध्याय में वे उन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं का मनमोहक वर्णन करते हैं, जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वे यह कहकर इस सुंदर अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी जिस अनुपम महिमा का वर्णन किया है, उसमें उनकी अनंत महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक अंश के रूप में धारण किए हुए हैं। इसलिए हम मनुष्यों को भगवान, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत है, उन्हें ही अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, यो माम जन्मादिम च वैति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मर्येषु सर्पापेयः प्रमुच्यते। अर्थात वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो यह जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूं, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवों में विविध प्रकार के गुण, जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात सृष्टि के सभी भाव वास्तव में मैं ही तो हूं। इस संसार में जहां जहां जिसकी भी पूजा होती है, वह वास्तव में मैं ही हूं। जो लोग मुझमें मन और प्राणों को अर्पण करते हैं, उनके अज्ञान के अंधकार को मैं ही ज्ञान के उजाले में रोशन करता हूं। इस पर अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभवों और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप में बताएं।
मैं आपकी अमृत वाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम शुद्ध अविनाशी भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, अस्ति, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि मुनि इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझे यही बात बता रहे हैं। प्रभु, कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हो। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूं और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूं। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यान अवस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूं। हे कृष्ण, आपने जो अभी तक खुद के बारे में मुझे बताया है, उन सब बातों को तथा आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में मैं स्वीकार करता हूं। आपकी बातें मेरा और ज्यादा मन मोह रही हैं। हे परम प्रभु, ना तो देवता और ना ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। आप ही खुद को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरह से जानूं? कृपया करके अपनी शक्तियों और महिमाओं के बारे में भी बताइए। इस पर आनंदमयी भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, वैसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। मेरी जो भी जानकारी तेरे लिए जानना जरूरी है, उसे मैं तुझे बताता हूं। मित्रों, इससे आगे भगवान अपनी अलौकिक और सुंदर महिमा का मनमोहक वर्णन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं के माध्यम से करते हैं, जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इसे आप बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं विष्णु हूं। प्रकाशवान पदार्थों में मैं सूर्य और चंद्रमा हूं। वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच चेतना हूं। रुद्रों में मुझे शंकर जानो। यक्षों में मैं कुबेर हूं। वसुओं में मैं अग्नि हूं और पर्वतों में मेरु हूं। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूं और सभी जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु हूं। ध्वनियों में दिव्य ओम हूं। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूं। वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूं और देव ऋषियों में मैं नारद हूं। गंधों में मैं चित्ररथ हूं। सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूं। अश्वों में मुझे उच्चे श्रवा समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे गर्वित ऐरावत समझो और मनुष्यों में मैं राजा हूं। शस्त्रों में मैं वज्र हूं और गायों में कामधेनु हूं। संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूं। जलचरों में वरुण हूं। पितरों में आर्यमा हूं और नियमों के नियामकों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूं। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं और दमनकर्ताओं में मैं काल हूं।
पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूं। जलीय जीवों में मगर और बहती नदियों में मैं गंगा हूं। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूं और सभी तर्कों में मैं तार्किक निष्कर्ष हूं। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर आकार हूं और व्याकरण के समासों का द्वंद समास हूं। मैं शाश्वत काल हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और आगे भविष्य में होने वाले अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल मैं ही हूं। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुर वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूं। सामवेद के गीतों में मुझे बृहत साम और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूं। समस्त छलियों में मैं जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं। विजेताओं में विजय हूं, संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूं। भूति योग ऋषि वंशियों में मैं कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूं। ऋषियों में मैं वेद व्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूं। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में उनका विवेक हूं। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूं। कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो भी तुमसे कहा यह मेरी अनंत महिमा का सिर्फ संकेत मात्र है। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य और तेज के रूप में देखते हो, उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। मित्रों, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूं। अर्थात यह संसार तो मेरे एक छोटे अंश मात्र से ही चलता है। दोस्तों, इस अध्याय में आप जान गए होंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान ना हो। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही वह पूरा विस्तार में भगवान को जान पाएंगे। दोस्तों, इसको आप अपने जीवन में इस तरह से जोड़ कर देखिए कि जैसे भगवान ने कहा कि मैं अनंत हूं और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में उन चीजों को जानने में अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिनका जानना हमारे लिए जरूरी नहीं होता। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। हमें सिर्फ उतना ही ज्ञान अर्जित करके अपने कर्म में लग जाना चाहिए। इधर उधर की बातों में पढ़कर विचलित नहीं होना चाहिए। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को